हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और कंपाउंड इंटरेस्ट में ही आज हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने हमारी पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर कंपाउंड इंटरेस्ट नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। फिर उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिए और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उन सभी को अप्लाई करते हो सभी क्वेश्चंस में, तो आपका एक एक क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल बेसिक से। और आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट कर सके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी का इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, वहां पर भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो या फिर यहाँ कमेंट कर सकते हो। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं हमारा आज की वीडियोस। ठीक जी, देखिए क्या है कि यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 8,000 रुपये, 5 वर्ष में 27,000 रुपये हो जाती है तो मूलधन क्या? ये देखिए, यहाँ पर अलग खेल खेला है। जैसे इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें एक चीज कॉमन थी, वो चीज थी मेरी क्या कि सेम रेशियो दे रहा था, मतलब अगर 3 से 6 साल जा रहा है ना तो 3 साल ही पीछे जाएगा। प्रिंसिपल से 3 साल आगे आया, फिर 3 से 6 आया, या 6 से 9 जाएगा। लेकिन यहाँ उसने गलत की बात कर दी, क्या कि 2 साल से वो 5 साल जा रहा है, मतलब 3 साल आगे जा रहा है। लेकिन मुझे प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए 2 साल से प्रिंसिपल तक जाना पड़ेगा, मतलब कि 2 साल पहले जाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, अब हमारा वो लगाते हैं बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ में प्रिंसिपल, फिर मैं आ गया 2 साल बाद पर, थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर मैं आ गया 5 साल बाद। ठीक है, अब देखिए 2 साल में कितना था, 8,000। 5 साल में कितना था, 27,000। 5 साल में 27,000, मतलब 8,000 से 27,000 होगा कितना, 2860। मतलब कि अगर मैं बताऊं आपको कि 3 साल का डिफरेंस, क्योंकि 2 से 5 हो रहा है तो 3 साल का डिफरेंस है 8 से 8:27। आप बताइए 1 साल का डिफरेंस कितना हुआ, क्यूब रूट लेंगे ऐसा, इसके बाद बना फोन 3 कर देंगे यहाँ पर, यहाँ क्यूब रूट ले, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2, 8 का कितना होता है, 2, और 27 का 3, तो 2 ईयर्स का चाहिए मुझे, कितना आएगा, 4:9। मतलब कि ये 4:9 हो गया, मतलब अगर प्रिंसिपल 4 है तो ये चीज 9 है 2 साल बाद का, मतलब 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, और इसकी वैल्यू 4, मतलब कि 9 की वैल्यू मुझे दे रखी है 8,000, और मुझे वैल्यू पूछी गई है 4 की। ठीक है, 9 की वैल्यू 8,000 दी गई है और 4 की वैल्यू मुझे पूछी गई है। ठीक, तो इसमें आप काटते हो, क्या किया जाए इसके लिए, अगर मैं आपको बताऊंगा एक तरीका करने का कि 4/9, 4/9 कितना होता है अपना, 1/9 होता है अपना 0.11। ठीक करते हैं, देखो 4/9 लेता हूँ मैं, ठीक है, और 2 जीरो लेता हूँ। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो 100 का 4/9 कितना होता है, ये लिखा है, ये 100 का 4/9 कितना होता है, 100 का 4/9, ये 4/9 लिखा हुआ है, 4/9। अब जानते हो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11.11। ठीक है, 4 point, और 4/9 की वैल्यू होगी 44.44, 44.44। ठीक है, मतलब कि इसे कैसे तोड़ लिया मैंने, 80 into 44 into 44 में तोड़ लिया मैंने। ठीक है, इस टाइप से तोड़ लिया मैंने। अब 1 जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4.44, क्योंकि जो पॉइंट है ना इसके बाद अनंतपुर है, सीरीज चलती जा रही है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है पीछे स्टाइट देखिए कि 40 मतलब 4 3 मतलब 444.4 हो गया। अब इसमें क्या है, मैंने तो अभी 0 का मल्टीप्लाई के लिए किया है, 0 का मल्टीप्लाई के लिए किया, मैं 8 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 का हुआ तो 1 डेसिमल इधर आ गया इस साइड।
अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, आप 8 का करता हूँ मैं, यहीं से करता हूँ, 8 चौक 32, 2 हासिल की 3, 8 चौक 32 33 34 की 5 हासिल की 3, 8 चौक 32 होती 35 की 5 हासिल की 3, 8 चौक 32 35 5 हासिल की 3, मतलब 8 चौक 32 35, मतलब 35 55। एक ही आप एक आपको अप्रोक्सीमेट आंसर दिख रहा होगा शायद, देखिए 35 55 दशमलव 55 ये हो गया अप्रोक्सीमेट आंसर। अगर आपको किसी भी भाग दे के करते हो कि 9 या फिर 4 का गुणा 8 में किए, 4 8 32 हज़ार हो गए, 32 हज़ार में भी 4 का 9 का भाग दोगे तो भी ऐसे ही आंसर आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, समझ में आ गया आपकी, ये आंसर हो गया अपना 3555 दशमलव 55। ठीक, क्योंकि अपने मेथड अलग की, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के हमने कैलकुलेशन को किया, इसीलिए थोड़ा अलग तरीके से हुआ। बढ़ते हैं हमारा सेम क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये देखते हैं कि क्या एक राशि 2 वर्षों में 3872 रुपये और 3 वर्षों में इतना हो जाती है, एक निश्चित दर पर हो जाती है, यदि ब्याज सालाना संयोजित होता है तो 5.33 वर्षों के लिए 6.75% की दर से समान राशि पर साधारण ब्याज बताइए। आपको साधारण ब्याज बताना है, ठीक, समान राशि पर। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक, मतलब 2 वर्ष से 3 वर्ष का दे रखा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सबसे पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, प्रिंसिपल पर। जब मैं प्रिंसिपल पर पहुंचूंगा तब जाके मैं क्या पता कर पाऊंगा, तब जाके मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये जो पहले लाइन में जो वैल्यू दे रखी है, आपको समझाता हूँ कि लेंथी क्वेश्चन है एक टाइप से, 3 वर्षों में ये, इससे सॉल्व करके मैं प्रिंसिपल लेके आऊंगा। जब मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा तब मैं क्या करूंगा, तब मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, ये टाइम दे रखा है। आनी शुरू करते हैं अपनी, देखिए आप पहली स्टेप, प्रिंसिपल था मेरे पास कुछ भी, मैंने लगाया कुछ अमाउंट लगाया मैंने, 2 साल बाद मुझे मिले 3872 रुपये। 2 साल बाद मुझे मिल जाते हैं 3872 रुपये, ठीक है। अब मैं आ गया 3 साल बाद, 3 साल बाद पे मुझे कितने हो गए, 4 2 5 9 10 0, 4259.20, ठीक है, ये मान लेते हैं ये था मेरा, ये हो जाता है, ठीक, 4259.0। इसे डिवाइड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, सबसे इजी पड़ेगा, 5 दूनी 10 0 हासिल की 1, 5 7 35 36 की 6 हासिल की 3, 5 8 40 और 3 43 की 3 हासिल की 4, 5 40 43 हासिल की 4, 5 15 और 4 19, 19 360 हो गया। इसमें देखते हैं 5 का 20 50 100, 100 हो जाएगा, 100 का कुछ नहीं, 1 ऊपर हासिल आएगी, 5 9 45 46 की 6 हासिल की 4 गया, 25 25 और 4 29, 29 की 9 हासिल की 2, 5 2 10 और 2 12, 2 हासिल की 1, 5 24 और 21, ठीक है, 19,360 से 21,296 हो गया। रेशो बनाते हैं, पहले देखते हैं कि डिविजिबल किससे, ये नंबर 9 10 3 13 और 6 19, ये नहीं 4 से डिविजिबल होगा, ये 4 से और 8 से देखते हैं, 8 6 55 40, 8 से काटते हैं 24, 8 से काटते हैं, ठीक है। इस नंबर को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 2 16, 3 बचा तो 8 6 32, 1 बचा 8 2 16 0, 8 2 16, 8 8 48, 4 बचा 49 हो गया यहाँ पे, 49 मतलब 8 7 8 6 48, 8 2 16, 26 62, 24 20। अभी भी ये नंबर किससे कट रहा है, 4 से कट जाएगा, अभी भी ये नंबर 4 से कट रहा है, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 4 6 24 0, 4 5 20, रेशो 4 से काटा तो 4 6 24 2 लिखा, 4 6 24 2 लिख, 4 6 24 2 आया, 4 6 24 2 बचा, ये नंबर 4 से नहीं कट रहा, केवल 2 से काट लेते हैं, ठीक है, तो 2 से 1 2 1 0, रेशो 1 3 3 1, ठीक है। अब अपन पहुंच गए 12, अब मुझे पता चल गया क्या ये 11 से कट रहा है, मैंने देख के पता चल गया मुझे, 110, 11 से एक आता 11 11 21, 11 से 121, फिर से मैं से 11 से काट दूंगा,
दस, एक मिनट रुकना, 121 है जी, 11 11, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो गई, मतलब 1:11 बन गया। रुकना, 11 से 11 से 31 था, मैंने काटा 11 एकम 11 11 121, एक मिनट रुकना, ये 110 से 121 हो रहा है, जरा मिस्टेक हो गई, थोड़ा रुकना है, एक सेकेंड करते हैं हम स्क्रीन, फिर से कोशिश करते हैं यहाँ से, फिर से कंटिन्यू करते हैं कि 11 से काटा 11 11 121, ये लिखा मैंने, फिर लिखा मैंने कि 11 से ये काटा तो 121 आएगा, क्योंकि 3331 11 का क्यूब होता, मतलब 121 आएगा। अब देखते हैं 11 से काटा 1 0 रेशो, 11 से काटा तो 11 से कितना आएगा, ये 11 11 121, मतलब ये जो मैंने किया, इतनी सॉल्यूशन किया मैंने 2 से 3 जाने के लिए, मतलब 1 साल का डिफरेंस आया 10 से 11, कितना सिंपल था, 10 से 11 गया मैं, बस उसे इरेज करते हैं, सबसे पहले ये रेशो फाइंड कर लिया, मुझे फाइनल रेशो मिला 10:11। कितना मुझे 10 से 11। अब मैं इसे ब्रेक करूंगा, कितना, 100 से 121 पे, 100 से 121 रेशियो हो गया मेरा। आई होप आप समझ गए होंगे कि 100 से 121 क्यों हुआ, क्योंकि 1 साल का रेशियो दे रखा था 10 से 11, 2 साल का पता चल गया तो 100 से 121, मतलब 121 की वैल्यू 38-72 है, 100 की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक, मतलब 121 जो दे रखा है ना, इसकी वैल्यू 38-72 है, 100 की वैल्यू प्रिंसिपल आएगी मुझे, 121 का भाग मैं 3872 में दूंगा, 100 का मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अगर आपको अभी भी इसमें कठिनाई हो रही है समझने में, मतलब आप, मैंने इतना कैलकुलेशन की और आपको समझ नहीं आया कि सर जी इस वैल्यू को कैसे किया मैंने, तो आप क्या कर सकते हो, हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा सर इतने कैलकुलेशन का क्या फ़ायदा। देखते हैं हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल फाइंड करके बताता हूँ मैं आपको, प्रिंसिपल के लिए कुछ नहीं, प्रिंसिपल लिखा 38-72 लेके मैंने, 38-72 लिखा मैंने, 121 से भाग दिया और 100 से गुणा किया, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए मुझे, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए मुझे फाइनली, ये मेरा प्रिंसिपल मैंने फाइंड कर लिया इतनी कोशिश करने के बाद। अगर ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर आप सेम क्वेश्चन को खुद से करोगे तो हो सकता है ये और जल्दी आ जाए। मैं आपको मिटा देता हूँ ये सब, अब अपन प्रिंसिपल फाइंड करने वाले, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन अब की बार घुमा दिया, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि सर प्रिंसिपल क्या, पूछा गया है कि कंपाउंड, वो बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या, पहले तो हम फ्रैक्शन वैल्यू पता करते हैं, ये है 5.33, इसका मतलब क्या होता है, 5 सही 1/3, मतलब 5 3 15 और 1 16/3, टाइम कितना दे रखा, 16/3, एक और बताइए फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.75, 6.75 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25 से 25 दूनी 50, 25 से कम 50, 25 7/3 में यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू उसकी, 27/400, 4 6 24 3 4 3, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए मुझे, सिंपल इंटरेस्ट की क्या किया जाए, सिंपल इंटरेस्ट मैंने लिखा 3872 लिखा मैंने सबसे पहले, बटे 121 लिखा 200, ये प्रिंसिपल आ गया, 16/3 से मल्टीप्लाई किया, प्रिंसिपल टाइम भी आ गया मेरे पास, रेट कितनी है 27/400, ये मेरी वो भी आ गई। अब इसे सॉल्व करने आंसर आएगा फाइनल, अब आप देखिए कितनी जल्दी कर सकते हो आप इसे, ये आपके ऊपर है, सबसे पहले मुझे देखा कि ये 2 0 से 2 0 कटा, मुझे 4 से काटा तो 4 आया, 3 से काटा तो 9 आया, और इसे 11 से काटूंगा, 11 3 33, 3 5 बचा, 11 5 55, 11 2 22, ये काटा 11 1, ये काटा तो 11
121, ये फिर से कट जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 ये 33, 11 तो नहीं 22, 32 गुणा 4 गुणा 9, 9 का मल्टीप्लस 5 2 7 1 8, 5 2 7 8 9 ये भी है, 4 2 6 और 1 7 ये नहीं है 9 का मल्टीपल, 5 2 7 और 2 नहीं ये है, 4 2 6 और 2 8 और 1 9, 4 से है इसमें मल्टीप्लाई कर लें हम कि 32 गुणा 4 किया, 4 2 नहीं 8 7 ये 12, 9 72 2 में यूनिट डिजिट, 2 नॉट बहत्तर आएगा, 9872 मतलब 2 यूनिट डिजिट आएगा। समझिए कि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन सिंपल हो, हर क्वेश्चन एक स्टेप में किया जा सके कि सर एक स्टेप की आंसर, ऐसा भी नहीं होता, क्वेश्चन आपको लेंथी करना भी सीखना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन करना भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक। जैसे मैं सेम क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ धीरे धीरे कर करके, कि आपको ये फील करा रहा हूँ कि एक स्टूडेंट होने के नाते आपको कितनी प्रैक्टिस करना चाहिए और किस टाइप से क्वेश्चन करना चाहिए, ये समय मुझे लगता है आपको समझाने में, कि आप मेरी बातों को समझो, मतलब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ आपके माइंड में बैठ रही है, वो मेथड आप सीखो। जब आप सीख चुके होगे ये सारी चीज़ें, आप फील करोगे कि केवल विद इन सेकेंड आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट नंबर लिखोगे, डायरेक्ट रेशो लिखोगे और एक अगली लाइन आएगी उसमें केवल आप रेट टाइम और प्रिंसिपल लिखोगे और आपका आंसर आ जाएगा सिंपल एंटर। कॉपी में टाइम करने कुछ भी टाइम नहीं लगा, यहाँ बोर्ड में समझाने पर थोड़ा समय लगता है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने वाले हैं, जिसमें केवल दो क्वेश्चन बताऊंगा, 38 39, इसमें दो क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थैंक यू।